अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नईम इस्लाम और आज हमारा है फर्स्ट व्लॉग। तो यहाँ पे मेरी दो छोटी छोटी तितलियाँ मेरे साथ जा रही हैं। हम जा रहे हैं नाश्ता लेने के लिए, दूध और अंडे। रात को बहुत अच्छी बारिश हुई थी और सुबह बड़ी ठंड है भाई साहब, बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो बस फिर हम चलने का चले, नाश्ता तो लेना है, फिर खाना पीना तो है ना। तो हम जा रहे हैं अपने होटल पर नाश्ता लेने के लिए, दूध और अंडे। यहाँ पर हमारे पास सड़क है और मैं और अनाबिया फबिया सड़क क्रॉस कर रहे हैं। देखें जी, मौसम बड़ा ही खुशगवार है, पौधे भी बिल्कुल ही फ्रेश हो गए हैं बारिश में, तो बड़े अच्छे लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अबू भी सुबह सुबह पराठे बनाना शुरू कर दिए हैं। तो अल्लाह ताला सब वालदान का साया उनके सरों पर सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन, उनको सेहत दे। यहाँ पे बस जी मैंने दूध ले लिया है, दूध ले के बस हम अब घर जाएँगे, घर जाके फिर नाश्ता बनाएंगे। ये मैंने कहा चलें आपको अपना होटल भी दिखा दूं छोटा मोटा सा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत प्यारा है। बस सफाई करने वाली है थोड़ी बहुत, वो मैं अब आगे करूंगा। बस जी कभी कभी दिल ख्वाहिश करता है कि वक्त ऐसे ही रुक जाए और ये छोटी छोटी ऐसे ही मेरे साथ चलती फिरती रहें, लेकिन वक्त कहाँ रुकता है, वक्त तो तेज़ी से चलता रहता है। यहाँ पर मैंने कहा चले आज मैं अपना हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, मेरा दिल कर रहा था कुछ खाने पीने को नाश्ते के अलावा, तो मैं दलिया बना रहा हूँ। यहाँ पे भी मैंने कहा बस जी होटल के लिए हंडिया शंडियाँ भी बनानी है, तो मैंने कहा यहाँ पे स्टोव में आलू शालू आलू पालक जो भी बनाना शनाना है सब कुछ बनाएं, और साथ साथ ये भी काम ज़रूरी है, जब सी बात है चलता रहता है तो काम तो करना चाहिए। यहाँ पे अना भी आ गई है इन द किचन, और ये मुझे कह रही है कि पापा मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाएंगे क्योंकि संडे है, और मैंने कहा ओके। यहाँ पे फबिया को भी देख रहे हैं, फबिया आपने उल्टे काम कर रही है। ये दलिया मेरा बन गया है, इसमें मैं चीनी डालूँगा, चीनी डाल के इसको मिक्स करके इसमें देसी घी ऐड करके तो बड़ा मज़े का दलिया बन जाता है। आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो देसी घी यहाँ पे हमारे घर का है, इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड करूँगा कि देसी घी कैसे निकालते हैं मलाई से, तो ये बड़ा अच्छा बन जाता है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस टाइम मुझे, तो आप भी इंशाल्लाह ट्राई करें, आपको भी बहुत ही अच्छी लगी ये रेसिपी। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनके लिए है कि उनकी चांदे हो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। तो ये बस यहाँ मैं बनाना बे के लिए ब्रेकफास्ट बनाना शुरू कर दिया है, घी लिया देसी। यहाँ हंडियाँ चंडियाँ भी अपनी मिसाल से देख रहा हूँ, हलीम बन रहा है और ये वो आई ला लाइट क्यों चली गई या उन एक ही मसला हो गया, चलें कोई नहीं आ जाएगी लाइट का की है। बस यहाँ पे ये कलेजी पकड़ी है आई थिंक, और ये है जी के ये पता नहीं, ये आलू और गोभी मुझे देख रहे हैं कि हमें भी पकाना है। मैंने कहा हाँ तुम्हारी बारी भी आएगी, कहो अभी पी रहा हूँ साथ साथ। बस ये नाबिया फबिया बैठी हैं, सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी, आज संडे था हालांकि, लेकिन फिर भी उठ गई हैं। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। ये नाबिया के लिए मैं बना रहा हूँ ब्रेकफास्ट, टमाटर को मैंने ऐसे ही तवे पे फ्राई कर लिया है देसी घी डाल के, और आमलेट में मैंने प्याज टमाटर हल्दी धनिया मिर्च सारा कुछ डाल डूल के इसको मैंने ऊपर अंडेल दिया है। ये भी बड़ा मज़े का ब्रेकफास्ट बनता है, तो आपको भी लाजमी इसको ट्राई करना है। बस जी ये ब्रेकफास्ट अब हम ये जो सा अंडा बना है ये हम ब्रेड पे डालेंगे, और इसके मैं सैंडविच टाइप की चीज़ें बना के ना तो नाबिया को दे दूँगा, बड़े शौक से खाती है इस तरह की चीज़ें। तो आप भी बच्चों के लिए डिफरेंट सी रेसिपी बनाते रहा करें, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। यहाँ पर नाश्ता बन गया जी, हम खा रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत मज़े का है, अपनी फैमिली के साथ खाने का क्या ही मज़ा है। अल्लाह हाफिज़।